और अब हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं संभल के डीएम संजीव रंजन जी। सर बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा डीएम ई कॉन्क्लेव में। संजीव जी सुन पा रहे हैं क्या आप? जी सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अभी वर्तमान में जिस तरीके के हालात बीते 15-20 दिनों में हम लोगों ने देखे हैं, अब संभल की स्थिति क्या है? एक्टिव केसेस कितने हैं, मृत्यु दर में कितनी कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट में कितनी कमी आई है? अभी संभल में लगभग 1207 केसेस जो एक्टिव है जी। और इस दौरान जो भी हमारे मृत्यु दर की बात यहाँ तक की जा रही है वो 75 डेथ हुए थे जी। तो जो लगभग 1% से कमी था, इनफैक्ट ये 0.6-0.7% के आसपास रहा। और ये अभी जो सेकेंड वेव आया था उसमें लगभग 9000 केसेज आए थे सर। और जो केसेज है जो पीक के टाइम में आ रहे थे ये लगभग 300 केसेज पीक टाइम में थे, परंतु ये प्रतिदिन का कुछ घटता जा रहा है और आज के डेट में 86 केसेज जो है जो केवल पॉजिटिव आए थे। बिल्कुल सर। और अगर हम बात करें केसेस की कमी आई है, जो दूसरी चुनौतियां थी, चाहे फिर हम ऑक्सीजन की बात करें, बेड्स की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, इसको लेकर हालात कितने सुधरे हैं? कितनी व्यवस्था को आप लोगों ने बढ़ाया है, आपने किस तरीके से विस्तार किया उसका? जैसा कि आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जयपुर में फिलहाल हम लोग एक L1 का हॉस्पिटल चला रहे थे जो कि 100 बेड का था, और 3 L2 हॉस्पिटल चला रहे थे। एक गवर्नमेंट सेक्टर में सामुदायिक स्वास्थ्य नरौली को डेजिनेट किया गया था और दो प्राइवेट सेक्टर में चल रहे थे। तो टोटल में ये हमारे पास लगभग 250 बेड दो ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी के साथ ब्लॉक थे, जिसमें कुछ ICU और वेंटिलेटर भी थे। L3 के तौर पर हम लोग थोड़े बहुत मुरादाबाद से डिपेंडेंट थे, और अभी जो स्थिति है जो जितने हमारे पास जो सुविधाएं हैं उस सुविधा के हिसाब से अभी पेशेंट की संख्या काफी कम हो गई है, परंतु जैसा कि जो अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि केसेस जो है हो सकता है कि थर्ड वेव या फोर्थ वेव इस तरह के केसेज आएंगे तो उसमें बढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के संबंध में यही बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने लगभग जो 5 CHC पे 30 बेडेड हॉस्पिटल को तैयार कर रहे हैं जी। जो फ्यूचर में इनकेस अगर ऐसी स्थिति आएगी तो जो हमें हमारे लिए उपलब्ध होगा, जिसमें सभी ऑक्सीजनेटेड उपलब्ध रहेंगे। ये ऑक्सीजन की उपलब्धता कुछ प्लांट के स्तर से करा रहे हैं और कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। जनपद में फिलहाल 75 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं और इसको बढ़ा के हम लोग लगभग कोशिश कर रहे हैं कि 125 से 150 के आसपास उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल सर, ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को सुधारा गया है, लेकिन अगर हम बात करें, आपने जैसा कि कहा कि व्यवस्थाओं के लिहाज से हमारे पास अभी मरीज कम है, लेकिन तीसरे और चौथे वेव की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बच्चों को लेकर खासतौर से जरूरतें होती हैं जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्या उस पर भी संभल काम कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है तो हम लोग एक पीडियाट्रिक वार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं जो कि कम से कम 10 बेड का हो, 10 बेड में सुविधाएं उपलब्ध करा सके जी। तो हमें अगर बच्चों के केसेज अगर आएंगे तो ऐसी परिस्थिति में इसका उपयोग हम लोग कर पाएंगे, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल, बच्चों का ही सर मामला है तो एक सवाल और भी है, और कुछ दर्शक हैं जो ये सवाल पूछ भी रहे हैं, वो जवाब जानना चाहते हैं कि कई केसेस ऐसे कुछ जिलों में आए, हो सकता है कि संभल में ना आया हो, लेकिन कुछ केसेस ऐसे आए कि माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अगर इस तरीके की परिस्थिति किन्हीं बच्चों के सामने आती है तो क्या उनके लिए भी कोई योजना है कि उनका भरण पोषण कैसे होगा, क्या उनकी जिम्मेदारी प्रशासन उठाने के बारे में कुछ सोच रहा है? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ही जायज है और बिल्कुल सही है। इस संबंध में हम लोग जो जितने केसेज आए हैं, जो देश के केसेज हुए हैं, सबको सर्वे कर रहे हैं। उसमें ऐसे कोई बच्चा जिसके माता पिता नहीं रहे हैं या अनाथ हो गए हैं, उसको हम लोग उसके भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे और उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल, ये एक बेहतर कदम भी होगा। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि संभल में किस तरीके से काम हो रहा है। तो संभल के DM हमारे साथ जुड़े, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उन्होंने कही हैं संजीव रंजन जी ने वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो गई हैं, मृत्यु दर 1% से कम है, और सबसे अहम बात जो उन्होंने कही वो ये कि सुविधाओं के लिहाज से मरीजों की संख्या कम है, सरप्लस व्यवस्थाएं हैं।